हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति बिष्ट उत्तराखंडी में। तो आप देख ही रहे होंगे, साड़ी वाड़ी पहन के हम रेडी होके आधे रास्ते से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और आज भावना दी के घर सुंदरकांड है, तो हम लोग दोनों सुंदरकांड में जा रहे हैं। मिलते हैं आपको सीधे सुंदरकांड वाले घर में। तो दोस्तों आ चुके हैं हम भावना दी के घर, सामने दिख रहा होगा आप लोगों को। तो वहाँ पे दरबार सजाने की तैयारी चल रही है, और जैसे ही दरबार सजता है उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों दरबार सज चुका है, देख सकते हो आप लोग, सुंदरकांड की तैयारी चल रही है, यहाँ सुंदरकांड हो रहा है और बढ़िया दरबार सज चुका है। और ये है दूल्हे की मम्मी, जो द्वार बिछौड़ पहनी हुई है, दूल्हे की मम्मी है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पर हम सभी लोग, इनकी सहेलियाँ, देख सकते हो आप लोग। एक इनके मायके से आ रखे हैं फूल, और दूसरे कहाँ से आ रखे? ये देखो कितने सुंदर फूल है हमारे उत्तराखंड के, देखो गांव के फूल। इधर लगाना तुम ना, वो इधर बोल, लंबा बोल जाओगे। और दोस्तों यहाँ पे हमारे उधर से भी आ चुके हैं, और सुंदरकांड की पूरी तैयारी हो चुकी है यहाँ पे। तो आके सब बैठ गए हमारे उधर से। तो देखो सामने दरबार सज चुका है, तो अभी बस थोड़ी देर में सुंदरकांड स्टार्ट होने वाला है, फिर दिखाते हैं आपको। चलो दोस्तों आपको मिलाते हैं दूल्हे की मौसियों से, और ये दूल्हे की मम्मी है और बाकी सारी मौसियाँ हैं, और एक मौसी इनमें अभी आई नहीं है। तो दोस्तों पूरी तैयारी हो चुकी है यहाँ पे, जोत जलने वाली है, देख सकते हो आप लोग। और ये दरबार सजा हुआ है, और यहाँ पे जोत की तैयारी हुई है। कमला, ए कमला, कमला वो फोटो लटक सी रही है, देखो। जय श्री राम। जय तारा श्री बोल शास्त्री परमानी ओम जगमान श्यामोत्री गृण ओम पवित्र हो पवित्र वाह गृहंगी वहा गंगरी गल भद्र हुति हम बना ओम सुधी हम बना ओम हस्त प्रचाल्य महा मंगलानांदे वाणी विनायक विनायक गुरु भानो ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती हमारे घर में विराजमान सुंदरकांड होने जा रहा है। आप सह सही परिवार यहाँ दरबार में विराजमान हो, और हम पर पूरे परिवार अपने कृपा दृष्टि बना के रखें। ओम हरि ओम मा भूति नः इन्द्र भगवन्नः जतिनः भूमा विदवेदाः जतिन तारिकौ हरितनेमिः कति भद्रं ग्रणेभिः गुणयां देवः भद्रं पश्यमाभिरत्नः इतरङ्गैः तुष्टुमहगङ्गतनो विव्रदेवहिरं ददाहु सर्वघ्नोजान्तहि श्रीमुगणपते नमो नमः। ओम विनायकं गुरु भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणमयादो दर्भगा हर हद सिद्धे शांताकारं हलवदनं पद्मनाभं मे पूजयामि नमो नमः। श्री मंत्र बसवांजलि जमर हाथ लगा लो। ओम चंद्रमा मनसो जात चतुर्थो सूर्यो यजायत प्राण च मुखात अग्नि रजायत ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय हो भूतिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्री नमोस्तुते। Oh,
प्यारे मित्रों, बहुत परम पवित्र आज की रात्रि जहाँ 15 फरवरी 2022 के दिन इसी स्थान पर पाठक जी ने अपने घर में बाबा की जोत जला करके हम सबको यहाँ पर सुंदर करना मदद किया था। आज लगभग 2 साल फिर से पावन रात्रि में और 2 दिन पूर्व अपने घर में हनुमान जी को चरणों में बालाजी महाराज की जय हो। दिनोंनाथ आ जाओ मेरे बाबा, तुम राम जी के साथ, राम जी के साथ, राधा जी के साथ, इस भक्त हनुमान जी महाराज सोते भी देवताओं को लेकर के पाठक जी के परिवार में इस स्वागत में पधार चुके हैं। एक बार ठाके हाथ सब अपने अपने प्रेम से बोलिए संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की। एक बार प्रेम से बोले भागते बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोले नरेंद्र वाले बालाजी महाराज की। एक बार प्रेम से बोले कैची धाम वाले श्री हनुमान जी महाराज की। प्यारे मित्रों, श्री हनुमान जी महाराज की लीला किस किस कारण से प्रारंभ होती है, आइए आज की संगली रात को हनुमान जी के साथ किस किस कारण के अंतर्गत से प्रवेश करते हैं आगे की ओर सुनिएगा। आइए, बहुत पवित्र पावन रात्रि आज की।
काली बंद प्रभु बाण्यो शोधन पर विनय धरे महादेव साल भगर सियार राम जय जय राम मेरे बहुराम जय जय राम मंगल भवन अमंगल आता है इस सुंदरकांड के पाठ को करने से कराने से पढ़ने से सुनने से होता क्या है मेरे भाई बहन इस पाठ को करने से कराने से सुनने से पढ़ने से गृहस्थ जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति तथा जीवन में जितने भी कष्टों का आवागमन होता है उन कष्ट का ज्ञान हो जाता है। और भाई बहनों हनुमान जी को प्रसन्न भी करना हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कुछ व्रत मांगना हो तो सबसे आसान साधन सुंदरकांड को माना गया है। आज की भाग्यमय जिंदगी में समय किसी के पास नहीं चाहे आप हों चाहे मैं हूँ क्योंकि राम कथा करानी हो तो 9 दिन चाहिए भक्त करानी हो 7 दिन चाहिए जागरण कराना हो रात चाहिए राम सीमाखंड पाठ करना हो 24 घंटे चाहिए लेकिन सुंदरकांड का पाठ करना हो तो मात्र 2 घंटे चाहिए। उठा के हाथ एक बार सबके ऊपर प्रेम से बोलिए रामचंद्र मानस के पंचम सोपान जी सुंदरकांड की जय हो। कुछ लोगों के जेब में घोष में आवाज नहीं उठा के हाथ एक बार दोबारा उठाइए सब लोग अपने अपने और प्रेम से बोलिए संकल्प वचन श्री हनुमान जी महाराज की तो आइए आज की सगली रात को हनुमान चरणों में डालते हुए और पटक परिवार के जो आज घर में ये मांगलिक अनुष्ठान होने जा रहा है हनुमान जी प्रार्थना करते हैं बालाजी महाराज आप इस कार्य को सफल करना वृद्धि करना सिद्धि करना समस्त कार्यक्रमों को मंगल करना इस परिवार में अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो आइए आज के पंचम सुंदर कांड को प्रारंभ करते हैं। निर्वाण शांत पदम ब्रह्मा सम गणित से राम जगदीश्वर सुरगुर माया मनुष्य मरे वंदे करुणा पदम रघुवरम गोपाल चूड़ामण्यम नवन्याम स्नेह रघुपते हृदय स्मरणीय सत्यम उस बंदी का तो मान उठा Oh,
जीवन कमल गया है।
ऐसा कोई नगर नहीं जहाँ हनुमान जी का भगत नहीं। और जिस गली में शेखर जोशी शेखर पाटिल जी से लोग रहेंगे और शहीद भगत सिंह में बंसी जोशी जी से लोग रहेंगे तो वहाँ तो फिर गलियों में ऐसे ही होगा जैसा आज हो रहा है। तो मैं यहाँ समझते अपने पर के लिए एक बार सबके हाथ उठकर हृदय से बोलिए, जिनकी गलियों में जिनकी गलियों में राम जी का नाम है, उनकी गलियों में हर दशा है, उनकी गलियों में राम जी का नाम है, उनकी गलियों में हर दशा है। Oh,
जो भी मेरी माता बहने भाई लोग घर का बोलिए अपनी बाजा को छोड़ करके आए हो, मेरी बहन अपनी सास को छोड़ के आए हो, बच्चों को छोड़ के आए हो, जब घर जाओगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, लेकिन बेटा पूछेगा मम्मी आंटी के घर गई थी प्रसाद नहीं हो गया, इसलिए सबसे बात में है बिना प्रसाद लिए को न जाए, कार्यक्रम विराम कर रहे हैं। एक दिन के बाद मैं सिर्फ 5 मिनट रहूंगा आपके सिर्फ सुंदर करके जो हमारी सिस्टम है आयोजित परिवार को सम्मान करने का, उसके बाद फिर चलेंगे हनुमान चालीसा में। मैं 15 मिनट में आपको सबको यहाँ से प्रसाद बलवान के फ्री कर दूंगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज ऐसे देवता है अश्विनो नदी कही गाता अश्विन भी जाने की बात है, सब कुछ इनसे मिलेगा हनुमान जी से। इसलिए माया के
जी महाराज अस्थि का नीचे जाते हैं, सबके हाथ सुन गए आप सबके, सबके हाथ ऊपर मांगे अपन जी से क्या एक नाम सो सब इसको देख रहे हैं, सब इसको देख रहे हैं। ये चेतन पाठक बजरंगी अब तेरा हो गया मुझे, ये चेतन पाठक बजरंगी अब तेरा हो गया, ये चेतन पाठक बजरंगी अब तेरा हो गया, ये चेतन पाठक बजरंगी अब तेरा हो गया, अब तेरा हो गया, अब तेरा हो गया, अब तेरा हो गया, अब तेरा हो गया। कृष्णा ईश्वर करना ये तेरा हो गया, कृष्णा ईश्वर करना ये तेरा हो गया, ये सुंदर कांड करा के तेरा हो गया, ये सुंदर कांड करा के तेरा हो गया। अपने हाथ एक बार से तू ने बना दी महाराज की ये हो मर भी गया। आज की सुबह तो ये आज जो आपने, क्योंकि ये छोटा सा प्रतीक यादगार की चीज जिसमें मेरी माँ सीता भगवान को जमना डाल रही है, और वो घड़ी चेतन बेटे भागो मैं बेटा तो कद गए तो परसों से दो दिन में मौज कर लो, उसके बाद फिर वो तालियां बजाओ। तो आज ये सब क्योंकि चेतन बेटे दाम पीछे बदले जा रहे हो, और ऐसा बताया गया है कि दाम्पत्य जीवन में बदलने के बाद शांति सन्नाटा आपके मतलब की बात है, ऐसा बताया गया है कि दाम्पत्य जीवन बदलने के बाद अपने दिल को तीन चैंबर में बांट लेना चाहिए। पहले चैंबर में अपने माता पिता देख लो इनको, दूसरे चैंबर में संतान, और तीसरे चैंबर में भगवान। तब किसी ने कहा जब तीनों बढ़ गए तो फिर जीवन संगिनी का क्या होगा जिसको बहने जा रहा है परसों। तब किसी ने कहा कि जीवन संगनी दिल नहीं, दिल की धड़कन होती है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। ये दिल को, ये जीवन को यदि मजे में लूटना हो तो दिमाग को ठंडा रखिएगा, हॉट रुचिरा रखिएगा, फिर थोड़ा मुस्कुराइएगा, जीवन बहुत आनंद से बीतेगा। तो आज आपके परिवार ने जो ये 15 फरवरी 2022 के बाद वो रात पुनः आज भगवान ने दिखाई है, और दो दिन के बाद आप जब जो बदलने जा रहे हो कि जीवन में हम तक हम इतना ही कहना चाहेंगे बेटे कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, और खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो देने के कुछ काबिल नहीं, लेकिन बालाजी महाराज हजार खुशियां दे आपको। तो मेरे भाई बहन, इस कार्यक्रम के विराम के बाद आज परम सौभाग्य हम सबका कि जीवन में ऐसी घड़ी बहुत किस्मत से मिलती है जब एक तरफ दूल्हे की नानी हो और एक तरफ दूल्हे की दादी हो। तो आज नानी भी आई है सर, तो एक बार के लिए मेरा निवेदन है उनकी माता जी को भी। और ये उनके सास के साथ उनकी मम्मी सास है, तो बहुत बहुत माता जी आपको बधाई आज की। और अब उनके सारे साथ भी आए थे गांव से आपके, बड़े किस्मत वाले हैं तुम्हारे जीजा जी, क्योंकि आज आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभासी मिल करके आपकी वो उनकी बहने भी आई थी वीरेंद्र बोलो। जल्दी जल्दी अपने उठाए, थोड़ा समय करो मेरे पास, आज सारी मैंने जाओ जल्दी से, ये अवसर बार बार नहीं मिलते, बहुत किस्मत से मिलते हैं बेटा को बेचा।
तो शेखर जी की मशीन थी, आपकी बहन उन्नत भी आई थी पटे जी की मशीन बोला ना पीछे बैठे कमला पटे जी बोले तो आज के इस कार्यक्रम को धीरे धीरे गुलाम में चलते हैं उठा के आप एक बार फिर सुनोगे हनुमान जी महाराज की ही यही बड़ा सहयोग होता है। आइए आइए आप ही आइए। नहीं मैं आप देखो वैसे 1000 से ऊपर सुंदरकांड कर चुके लेकिन हमारे मैडम पहली बार आई है सब सुंदरकांड में फिर से बोले हनुमान जी महाराज की प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की बेटा। ये आपके पापा नहीं आए ये उनके स्वागत पर है ये आटा ये उनके लिए है वो चले गए डाल दो हाँ बैठो सब लोग तो आइए चलते हैं 39 की और आरती करके फिर सभी लोग प्रसाद लगे यहाँ से आप सबको प्रणाम करते हुए आइए और चौथे सुंदर 39 की तो सब लोगों से निवेदन है अब हनुमान चर्चा करके सीधे आरती करते हैं जो कल चावल छिड़ने का कार्यक्रम था वो भी डाल रखा था आपने तो बहुत खुशी मेरे को तो आइए चलते हैं 39 की ओर। श्री गुरु चरण सरोज रज गावत भेद रघुवंश नाथम श्री कृष्ण गोरे हरे मुरारे हे नाथ नारायण हम सबके प्रभु राम आओ आओ हम सबके सिया राम आओ आओ हम सबके रघु श्याम आओ आओ हम
सबके राग श्याम आओ बुलाओ मैं सबके भोलेनाथ आओ बुलाओ मैं सबके मेरी मात आओ आओ मैं सबके मेरी मात आओ 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 भोग लगाओ प्रभुरामी आओ भोग लगाओ प्रभुरामी आओ भोग लगाओ सियाराम आओ भोग लगाओ सियाराम जी बिलन के बेर सुदाम के तंदुल बिलन के बेर सुदाम के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु रामे रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु रामे तुम्हें क्या प्रेम तुम्हें सर्व हम देव देव तुम्हें सर्व बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो बोलिए संत मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए नदी प्रवाले बाला जी महाराज की जय हो बोलिए गति धाम वाले हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए नगत वाले हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए हनुमान धाम के हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए नगत धाम वाले हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए नगरी मैया की जय हो बोलिए पुनागरी मैया की जय हो भारत माता की सर्व संतन की सर्व बंधन की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने गुरु महाराज की ओम नमः पार्वती माता